जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। आज आपके लिए लेकर आई हूँ आज लॉन्ग लेंथ वाला काउ मिल्किंग का वीडियो, और वो भी सुबह 6:15 बजे से हमारे काउ फार्म पर काम शुरू होता है। और थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो में तो 6:15 बजे से काम शुरू होता है और अभी मिल्किंग करने के बाद डेयरी पे जाता है। तो आप देखो लॉन्ग लेंथ वाला काउ मिल्किंग का फुल वीडियो। तो अभी ये हमने नई नई बकरी ली है और अभी देखो ये कैसे घर आने के लिए कैसे परेशान कर रही है, क्योंकि उसको पहले मालिक के यहाँ से हमारे घर पे आना ही नहीं है, इसलिए बहुत नखरे कर रही है। और इसको देखो, उसके दो क्यूट से बेबी भी है उसके साथ, लेकिन वो जहाँ जहाँ उनकी माँ आएगी उनके पीछे पीछे अपने आप आएंगे, इसलिए उनको रस्सी से बांधने की ज़रूरत भी नहीं है। और सब बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि हमारे यहाँ पे नए मेहमान बन के नहीं, अभी यहाँ पे हमारे साथ रहने वाले आई है ये। इसका मिल्किंग का वीडियो भी आप लोगों के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे एक दिन। और अभी मैंने इसको बांध दिया, अभी इसको खाने के लिए लेकर आती हूँ कुछ। और बाकी के भी यहाँ पे थे, उनको भी हमने ऐसे ही खाने के लिए डाल दिया था। और अभी यहाँ से जो गॉड गए ना, हम लेके गए थे, तो उन्होंने देखो ऊपर ऊपर से कतरा उनको एक कैबिज को, तो फिर वही उनको उखाड़ के डालूंगी। देखो पूरे फोड़ दिए उन्होंने वो, क्योंकि उनके दांत बड़े मजबूत होते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे चलते चलते कितने कैबिज को ख़राब कर दिया। अब इन सबको ही उनको उखाड़ के डाल देंगे तो ये खा लेंगे। इसके बाद तो ये मार्केट के लेकर जाने के लिए लायक भी नहीं बचे, और अभी हम इसी को लेकर जाएंगे उसे डालने के लिए। और देखना ये कैसे खाती है, बहुत मज़े से खाती है। और इसको काट कर भी डालना नहीं पड़ता, इनके दांत बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये ज़्यादा टुकड़े करो तो ये खाते भी नहीं है, इसीलिए मैंने इनको ऐसे ही डाल दिया ताकि वो मज़े से खा सके। और अभी यहाँ पे ये बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगी। बस एक दिन के लिए थोड़ा सा लगता है ना कि हम दूसरे के पहले जा रहे थे वहाँ, वही अच्छा लगता है। और देखो कैसे ताव मार रही है, ये बहुत मज़े से खाती है। और दूसरा कोई देखो नए आए तो कैसे उनको मार रही है सींगों से। और ये हमारे काउ मिल्किंग हम सुबह 6:15 बजे शुरू करते हैं, हम दूसरे दिन का सुबह सुबह, क्योंकि हमारे यहाँ का डेयरी में दूध 7 बजे जाता है। ये सरकारी डेयरी है, यहाँ पे गाड़ी आती है और उसी में पूरे गांव का दूध लेकर जाते हैं। हमारे गांव से ढेर सारा दूध जाता है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों बहुत है और यहाँ पे चरने के लिए भी जानवरों को बहुत अच्छी सी जगह है। और हमारे खेतों में पानी भी बहुत है, इसीलिए हम उनके लिए खाने के लिए चारा भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और ये हमने यहाँ पे सीमेंट का गोटा है, इसीलिए यहाँ पर ये नीचे बैठते हैं तो पूरे भर जाते हैं। आप लोगों को लगता है कि हम इनको धोते नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये रात को जब यहाँ पे गोबर डालते हैं और भी हो जाती है तो उससे ये भर जाते हैं। इनको धोते और अभी बहुत अच्छे से धोना पड़ रहा है क्योंकि ये सब सूख गया है गोबर यहाँ पे। ये कल ही धोए थे हमने और रात को देखो रात में ही पूरा फिर से ख़राब हो गए। ये मिट्टी में रहते हैं ना तो इतने जल्दी ख़राब नहीं होते बाहर, लेकिन यहाँ पे वो सीमेंट से हमने गोबर करा है तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत जल्दी वो उनकी स्किन को गोबर लग जाता है और वो चिपक के रह जाता है बालों में अटका हुआ। और अभी आप रियल मिल्किंग की ओरिजिनल साउंड सुनना और देखना हम कैसे दूध निकालते हैं। जैसे यशोदा माता दूध निकालती है उसी तरह से हम कान्हा जी का नाम लेके दूध निकालते हैं, इसलिए। और आज मिल्किंग में हमारे साथ हमारी दीदी भी हमारे साथ देने वाली है, क्योंकि 10 लीटर मिल्क निकलता है इसका टोटल। लॉन्ग लेंथ वीडियो आप फुल इंजॉय करो। हाँ
फोटो घ्या ना, फोटो काढणे और फिर हम दोनों ने फटाफट से 10 लीटर की बाल्टी भर गई हमारी दूध से। और इसका बछड़ा मर चुका है, इसलिए हमने पहले छोड़ा नहीं था उसको। और अभी ये दूध जाएगा डेयरी के लिए। और भी हमारे दूसरे काऊ और बफेलोस का दूध निकालना भी बाकी है, उनका भी निकाल लेंगे। फिर ये दोनों कैन भर के साथ में दूध जाएगा यहाँ से। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले। और आप देखो यहाँ पे ये इतना गर्म दूध होता है जब निकालते हो, तो यहाँ से दूध से भाप निकल रही है, मुझे तो दिख रही है, पता नहीं आपको दिखेगी कि नहीं, लेकिन ये बहुत ऐसा गुनगुना सा दूध होता है, गर्म गर्म लगता है ये जब भी निकालते हैं। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। हम फिर ऐसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।